दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भी जब हमारे सप्लायर से हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो सप्लायर के द्वारा उस इनवॉइस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हमारे से ले लेते हैं। जैसा कि आप ये इनवॉइस देख रहे हो, इस इनवॉइस के हमारे से हमने कुछ गुड्स परचेज हमने किए, 1 लाख की अमाउंट है और उसके ऊपर इन्होंने 18% का यानी कि 9,000 रुपये का CGST और HGST टैक्स है जो चार्ज किया हुआ है। लेकिन उसी इनवॉइस के ऊपर उन्होंने इंश्योरेंस चार्ज भी किया है, पैकिंग चार्ज भी लगाई हुई है और फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज भी हमारे से लिया हुआ है। यहाँ तक तो सब कुछ सही है, लेकिन इन्होंने जो हमारे से एक्स्ट्रा जो खर्चा हमारे से लिया है, जो चार्ज हमारे पे लगाए हुए हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने हमारे से GST है जो लिया है। यानी कि हमने GST गुड्स के साथ साथ जो हमारे खर्चे लगे हैं उस वाउचर के ऊपर, उसके ऊपर भी हमने GST को पे किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर इस टाइप का इनवॉइस हमारे पास आ जाए तो उसकी एंट्री हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, यानी कि जो खर्चे हमारे इस इनवॉइस पर लग के आए हैं उस जो लेजर हम क्रिएट करेंगे उनको किस तरीके से हमें मेंटेन करना पड़ेगा जिससे कि हमारी जो GST है वो बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट हो। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। इस वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप मत करना। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर की हम एंट्री करेंगे और जो हमारे से ये जो चार्ज लिए गए हैं, हमारे जो इस परचेज वाउचर पे जो लगकर आए हैं, इसके लेजर हम साथ के साथ ही क्रिएट कर लेंगे और इसी इनवॉइस की एंट्री हम इस टैली सॉफ्टवेयर में करने वाले हैं। तो इसके लिए हम F9 का यूज़ करेंगे परचेज के लिए और इसका जो इनवॉइस नंबर है वो 1 है और डेट हम 26 अगस्त 2021, सप्लायर का इनवॉइस नंबर भी हम 1 डाल देते हैं और उसके बाद में पार्टी का अकाउंट नेम, जैसा कि हमने यहाँ पर BS ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है, ये सप्लायर हमारा कोई भी हो सकता है। अब नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम इस इनवॉइस के अकॉर्डिंग जैसे कि काम देनु सरिया है, तो हम ये स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं काम देनु सरिया और इसका जो अंडर हम एक बार प्राइमरी रख लेते हैं और यूनिट्स है जो इसकी वो रहेगी क्विंटल में, क्योंकि आप देख रहे हो इसकी जो यूनिट है वो 20 और UQM जो है इसका क्विंटल में है, यूनिट है जो, तो हम यहाँ पर इसको क्विंटल में मेंटेन करेंगे। वैसे तो ये डिपेंड करता है हमारी सेल यूनिट पे, हम इसको KG में सेल करेंगे या फिर क्विंटल में ही सेल करेंगे, तो हम एक बार इस इनवॉइस के अकॉर्डिंग हम इसको क्विंटल में रख लेते हैं। तो Alt+C के साथ हम क्विंटल की एक यूनिट हम क्रिएट कर लेंगे और UQM हम इसका क्विंटल दे देंगे और एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद में इसकी जो GST की डिटेल है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर लिख ले देंगे आयरन गुड्स और इसका जो HSN कोड है वो है इसका HSN कोड 2255 और ये GST 18% का प्रोडक्ट है तो हम इसको टैक्सेबल रखेंगे और GST इस पर 18% और इसमें टाइप ऑफ सप्लाई में इसको रखेंगे गुड्स और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 20 क्विंटल, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी 20 डालेंगे और इसकी जो टोटल वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू वो 1 लाख रुपये की है। आप यहाँ पे देख रहे हो इसकी टोटल वैल्यू और उसके बाद में टैक्स लगने के बाद में ये 1,18,000 रुपये इसकी वैल्यू बन गई, तो इसकी बेसिक वैल्यू 1 लाख रुपये। यहाँ पर हम एक सेल परचेज का अलग से लेजर क्रिएट कर लेंगे, GST 18% आयरन गुड्स परचेज, अंडर में इसको परचेज काउंट रखेंगे और GST एप्लीकेबल यस रखेंगे और सेट GST डिटेल को इसको यस करेंगे। अब इसको यस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब इस इनवॉइस के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप की GST रहेगी, तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में इसको बार HSN कोड इसका छोड़ देंगे और यहाँ पर हमें केवल करना है परचेज टैक्सेबल और इसका रेट 18% और उसके बाद में टाइप ऑफ सप्लाई इसको यहाँ पर गुड्स रखना है और उसके बाद में अब यहाँ पर हमें वो लेजर बनाने, अब इसके जस्ट बाद हमें CGST और HGST टैक्स हमें चार्ज नहीं करना। अगर यहाँ पर हम लगाएंगे तो आप देख रहे हो ये जो 9,000 रुपये की जो वैल्यू है इस जो गुड्स पे 1 लाख रुपये के अमाउंट के ऊपर यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा, लेकिन अभी हमें GST जो हमें लगाना है वो विद एक्सपेंसेस के साथ में लगाना है, तो हमें सबसे पहले एक्सपेंसेस की लेजर भी क्रिएट यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेजर Alt+C के साथ शॉर्टकट यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जो चार्ज लगा हुआ है इंश्योरेंस चार्ज का,
इंश्योरेंस चार्ज का हम लेज़र क्रिएट कर देंगे, तो ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि ये इनवॉइस पे लग के आया हुआ है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे। टाइप ऑफ लेज़र नॉट एप्लीकेबल, और जीएसटी को एप्लीकेबल रखना है यहाँ पर, ये हमें ध्यान रखना है। और सेट जीएसटी डिटेल को भी हम यहाँ पर यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर लिख देंगे इंश्योरेंस, और इसका एचएसएन जो कोड है वो एचएसएन कोड हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ 2000 का 1234 का 1234, तो वो हम इनवॉइस के अकॉर्डिंग डाल देंगे। और यहाँ पर हमें रखना है परचेज टैक्सेबल, और इसका रेट 18% का। और अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो टाइप ऑफ सप्लाई है, यहाँ पर हमें गुड्स नहीं करना, यहाँ पर इसको सर्विस हम रखेंगे, और इसकी जो वैल्यू है वो 2000 रुपये की है। और उसके बाद में जो सेकंड खर्चा जो लगा है वो पैकिंग चार्ज का है, तो एल्ट सी के साथ हम लेज़र क्रिएट कर देंगे, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, और सेट डिटेल में इसको यस करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका पैकिंग चार्ज हम देंगे, एचएसएन कोड इसका जो इनवॉइस के ऊपर लगा हुआ है 1000 के अमाउंट का 2345 का, तो 2345। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इसको भी हम परचेज टैक्सेबल रखेंगे, और इसकी जो वैल्यू है वो भी 18% का ये, और इसमें भी टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस को रखेंगे, और इसकी जो वैल्यू है वो 1000 रुपये की है। और उसके बाद में जो लास्ट चार्ज हमारे से जो लिया हुआ है वो फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज का, तो हम एल्ट सी के साथ फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा। और जीएसटी को एप्लीकेबल को यस करेंगे, जीएसटी डिटेल को यस करेंगे, और यहाँ पर हम यहाँ पर रख देंगे फ्रेट का, और इसका जो एचएसएन कोड है वो इनवॉइस के अकॉर्डिंग 4563 का, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इसको परचेज टैक्सेबल करेंगे, और इसका जो टैक्स रेट है वो जीएसटी 5% का है, और इसको भी टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस ही रखेंगे, और इसकी जो वैल्यू है वो 5000 रुपये की है। तो अब हमें जो टैक्स लगाना है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पर अब चार्ज करेंगे, तो सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो इस जो टैक्स की जो अमाउंट है वो 9395 रुपये और 9395 रुपये का ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। अब इसके अंदर सभी के ऊपर इन इतनी अमाउंट के ऊपर है जो सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स है जो चार्ज होगा। अगर हम इनवॉइस की बात करें तो इस इनवॉइस में भी आप देख रहे हो जो टोटल जीएसटी है वो 18790 रुपये का है, यानी कि 18000 रुपये का तो जो गुड्स की जो वैल्यू है सामान की उसके ऊपर हो गया, और 790 रुपये जो जीएसटी इस पर जो चार्ज हुआ है उसकी वैल्यू होगी, यानी कि टोटल टैक्स हो गया जीएसटी का 18790 रुपये का। अगर इसे हम डिवाइडेशन करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। अगर हम इसको एल्ट ए के साथ ही अगर इसकी डिटेल देखेंगे तो आप डिटेल भी यहाँ पर भी आप देख रहे हो इसकी जो जीएसटी की वैल्यू है वो 18790 रुपये की है। तो यहाँ पर भी इसकी सारी डिटेल आपको दिख रही है, 360 रुपये की जो टैक्स लगा है वो इस 2000 की वैल्यू के ऊपर लगा हुआ है, 180 रुपये इस 1000 रुपये के ऊपर लगा हुआ है, और 250 रुपये इस 5000 रुपये, और ये 18000 रुपये इस 100000 रुपये की अमाउंट के ऊपर लगा हुआ है। तो टोटल जो जीएसटी है ये हमारा 18790 रुपये का है, और ये 18790 रुपये इस इनवॉइस के ऊपर है, और टोटल वैल्यू 126790 रुपये की है। तो इसकी डिटेल भी आप देख रहे हो, 126790 रुपये का इनवॉइस बन गया। तो इस वाउचर को हम यहाँ पर करेंगे सेव, और उसके बाद भी हम देखेंगे इसका GSTR 2, यानी कि इसका ITC हमें कितना शो कर रहा है। तो डिस्प्ले पर हम जाएंगे, GST रिपोर्ट पर हम जाएंगे, और GSTR 2 को देखेंगे। तो उसके बाद हम इनवॉइस देखेंगे B2B में जाके। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अभी जो हमने एक परचेज करी थी BS ट्रेडिंग कंपनी की, और उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 108000 रुपये और 18790 रुपये का IGST हमें, जो सॉरी CGST और SGST का जो टोटल टैक्स है उसका ITC हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हमारे पास कोई परचेज वाउचर के ऊपर खर्चे लगे और खर्चे के ऊपर भी अगर GST चार्ज अगर हमारे से लिया जाता है तो उसके उस दौरान हम क्या करेंगे, जो हमारी CGST और SGST टैक्स की वैल्यू है वो हमें सबसे पहले ऊपर खर्चे मेंटेन करने हैं, और उसके बाद में बिल्कुल लास्ट के अंदर हमें CGST और SGST टैक्स को कैलकुलेट कराना है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल भी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक देके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।